हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे। और मॉड्यूल 4 में हम जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन, ये चार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल 4 में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने इंटर में पढ़ी होगी, जिसको मैं यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ आज इस लेक्चर में। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर आपका कोई नंबर इस तरीके के लिखा हुआ है, ए प्लस आई बी की फॉर्म का, है ना, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ए यहाँ पर इसका क्या होगा? रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट। और जो आई का कोफिशियंट होता है बी, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये आप ऑलरेडी जानते हो अच्छे से, है ना। और ये जो ए बी होते हैं, ये ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं हमारे? ये बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर में। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, माइनस वन प्लस टू आई या वन प्लस थ्री आई, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, जिसमें हमारे जो ए होता है ये रियल पार्ट होता है, और आई का जो कोफिशेंट बी होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम तीन फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कार्टेशियन फॉर्म की। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है कार्टेशियन फॉर्म में, और जिसको हम एक पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं जेड इक्वल टू पॉइंट एक्स वाई। पॉइंट एक्स वाई का मतलब यही है कि ये हमारा एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ओके, और अगर इसको फिगरली हम यहाँ पर ड्रा करें, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस पर जो लेंथ है यहाँ पर रियल एक्सिस के लिए, वो एक्स दी है आपको, तो ये मैं एक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। और ये हमारी जो वाई एक्सिस के लिए लेंथ है वो y है, इस तरीके से। तो ये हमारा एक P पॉइंट बन जाएगा जो कि एक्स वाई पॉइंट बनेगा, और ये हमारा जो है, ये जो P पॉइंट हमारा एक्स वाई है, ये इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए कोऑर्डिनेट का काम करेगा पी एक्स वाई। इसी से हमारा जनरेट हुआ है। यहाँ पर x एक्सिस को रियल एक्सिस बोला गया है और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला गया है, ठीक है। तो ये x प्लस आई वाई जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, जिसको आप पॉइंट की फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के दिखाया आपको। ओके, और ये आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो i है, i की वैल्यू आप जानते हैं, वेयर i जो है वो अंडर रूट माइनस वन के इक्वल होता है, एज यू नो वेरी वेल। और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस आपको निकालना हो, तो मॉडुलस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मोड जेड जो है इक्वल होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पर एक्स है यानी कि एक्स का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर वाई है यानी कि वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉडुलस का काम करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड, जो क्या शो करता है? इस ओपी डिस्टेंस को शो करता है, जिसको मैं इधर फिगर में आपको बताता हूँ बाय टेकिंग ग्रीन कलर। ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस है ओपी, इसको ये मॉडुलस डिफाइन करता है, मोड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें मैंने आपको मॉडुलस और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है आपका, ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि आगे पूरे मॉड्यूल में यूज होना है, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म तो आप पहले से भी जानते हैं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा रखना पड़ता है। तो यदि आप यहाँ पर एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा रखो, तो जो ऊपर जेड एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई नंबर है, ये बदल जाएगा आपका जेड इक्वल टू आर एंड कोस थीटा
प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा आप रखोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसमें बदल जाएगा, पोलर फॉर्म में। और अगर पोलर फॉर्म में इसको फिगरली हम यहाँ पर देखें, पोलर फॉर्म में अगर फिगरली देखें तो दिस इज आवर एक्स लेंथ अकॉर्डिंग टू अबोव फिगर, दिस इज आवर एक्स लेंथ एंड दिस इज आवर वाई लेंथ, ठीक है। ये हमारी एक्स लेंथ होगी और ये वाई लेंथ होगी, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा पी एक्स वाई पॉइंट होगा। लेकिन जब आप एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा आप पुट कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर थीटा में। अब ये आर थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा हमारा, ये जो थीटा है ये होगा हमारा, सॉरी पहले आर को डिफाइन करते हैं। आर होगा हमारा रेडियस वेक्टर जो कि ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो होगी, ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे आर, ये हमारा आर होगा। और ये जो ओ पी का एक्स एक्सिस से एंगल है, रियल एक्सिस से जो एंगल है ओ पी का, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर होगा थीटा, ठीक है। तो जब आप कार्टेशियन को पोलर में बदलोगे तो ये हमारा इसका पी पॉइंट जो है ये आर थीटा पॉइंट बन जाएगा, और आर क्या होगा, रेडियस वेक्टर जो ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस है जो कि मॉडुलस भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये एंगल हो जाएगा ओ पी का एक्स एक्सिस से जो कि थीटा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका मोड निकालेंगे, देन अगर मोड निकालेंगे मोड ऑफ जेड तो ये आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वहां पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा वन हो जाएगा, और आर स्क्वायर जब बाहर आएगा तो आपको आर वैल्यू मिलेगी। और ये हमारा आर क्या है, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ये क्या है हमारा, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओ पी क्या है, हमारी डिस्टेंस है ओ से लेकर पी तक की जिसको हमने रेडियस वेक्टर आर का नाम दिया है, ओके। तो ये हमारा जो है पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स को आर कोस थीटा रखा है और वाई को आर साइन थीटा रखा है, यदि आप यहाँ पर दोनों को डिवाइड करते हो तो वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक्स क्या है हमारा आर कोस थीटा है और वाई है हमारा आर साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी वाई अपॉन एक्स, जिससे आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स दोनों को डिवाइड करके, ओके, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जिसको शॉर्ट में ए एम पी जेड भी लिख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। और आर्गुमेंट को हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आर्गुमेंट को लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड या ए एम पी ऑफ जेड, ठीक है। तो जो थीटा हमारा निकलता है टाइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसको हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और मोडलस हमारा क्या होता है, मोडलस होता है मोड जेड इक्वल टू आर। तो ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की पोलर फॉर्म। अब मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसको हम पोलर फॉर्म से ही बनाते हैं, कोई नया काम नहीं है। पोलर फॉर्म आपने पढ़ी है ऊपर, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और आपको पता है कि जो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है आयलर फॉर्मूला होता है, और आयलर फॉर्मूला अगर ये है तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है आर बाहर रहेगा ई की पावर आई थीटा में, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि जो ई की पावर आई थीटा है बाय द आयलर फॉर्मूला ये होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो तीन फॉर्म मैंने बताई, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिनको आपको पता होना जरूरी है ताकि आप इसको अच्छे से आगे यूज कर सको। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी यूजफुल है हमारे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट हम डिफाइन कर सकते हैं देन जेड बार इक्वल टू, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, एक्स माइनस आई वाई इज ए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड। तो जेड अगर हमारा एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार को बोलते हैं हम जेड माइनस आई वाई, जेड बार को बोलते हैं एक्स माइनस आई वाई, जो कि जेड का कंजुगेट कहलाता है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा नोट आप ध्यान रखेंगे, यदि आप जेड का मॉडुलस निकालते हो या जेड बार का मॉडुलस निकालते हो तो दोनों का सेम आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये माइनस भी स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप जेड का मॉडुलस निकालो या जेड बार का मॉडुलस निकालो, दोनों का मॉडुलस सेम होता है, जहाँ पे मोड जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर यह होती है कि जो मोड जेड का स्क्वायर होता है वो होता है जेड इंटू जेड बार, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मोड जेड का स्क्वायर निकालें तो मोड जेड का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड बार के अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारी सेम ही आएगी, एक्स प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई एक्स माइनस आई वाई के साथ करने पर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन की है कि मोड जेड का जो स्क्वायर होता है वो हमारा जेड इंटू जेड बार के इक्वल आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर ये होगी, ऊपर आपने जेड डिफाइन किया, ऊपर आपने जेड बार डिफाइन किया, यदि आप दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, यदि आप जेड को और जेड बार को ऐड कर देते हो, जेड प्लस जेड बार को अगर ऐड करते हो तो आई वाई से आई वाई कटेगा, टू एक्स हमारा बचेगा, और इसका मतलब हो जाएगा एक्स इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, और एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है हमारा यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होगा जो कि आगे काफ़ी यूज होता है। ठीक है, अगर आपको जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया है तो जेड प्लस जेड बार अपॉन टू की वैल्यू होती है रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि एक्स। फिर यदि हम इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, जेड माइनस जेड बार, ठीक है, तो x से x कटेगा और आपको मिलेगा 2iy, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलेगी z माइनस जेड बार अपॉन 2i, और y क्या होता है, y होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये भी आपका सेकंड फॉर्मूला होगा, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने इंटर में पढ़ी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी डिस्कस की है, इन सब का हम आगे यूज करेंगे अपने फोर्थ मॉड्यूल में और फिफ्थ मॉड्यूल में, दोनों में यूज होना है इसका, क्योंकि दोनों मॉड्यूल आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही रिलेटेड है। ओके चलिए, ये तो हो गई हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, क्या उसकी फॉर्म्स होती है, कार्टीजन, पोलर और एक्सपोनेंशियल, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, यानी कि पूरे फोर्थ और फिफ्थ मॉड्यूल में कुछ बेसिक डेफिनेशंस यूज होगी, कहीं भी वर्ड आ जाता है, सर्किल, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, डोमेन, रीजन, है ना, ये सब मैं आपको डिफाइन करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम यहाँ पर सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। तो आपको मैं बता दूँ कि यदि आप जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर लिखते हो तो यहाँ पर ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में, रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, जिसको आप सी का नाम दे सकते हो, और इस सर्किल में सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा विद सेंटर एट जेड नोट, जेड नोट तो यहाँ पर सेंटर होगा, एंड रेडियस आर,
और रेडियस होगा आर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना पूरा फोर्थ और फिफ्थ मॉड्यूल में सर्किल की इक्वेशन यही चलेगी हमारी, ठीक है। आप अब सर्किल कैसे बनता है, चलो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, क्योंकि जेड आपको पता लग गया, नोट में दिखा देता हूँ उसको मैं। जेड आपको पता लग गया कि एक्स प्लस आई वाई होता है ना, और जेड जेड नोट हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे ही, एक्स नोट प्लस आई वाई नोट, है ना, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में चलेंगे तो ये एक्स वाई पॉइंट होगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स नोट वाई नोट, ओके। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं ऊपर, तो ये मिलेगा आपको मोड जेड माइनस जेड नोट का इक्वल टू आर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की अगर वैल्यू रखते हैं, है ना, तो ये वैल्यू होगी एक्स प्लस आई वाई और ये वैल्यू होगी माइनस एक्स नोट प्लस आई वाई नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यदि आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपको मिलेगा एक्स माइनस एक्स नोट को एक साथ लिख लेता हूँ और प्लस आई कॉमन लेकर वाई माइनस वाई नोट को एक साथ लिख लेता हूँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको निकाल के उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा और मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इक्वल टू में आर स्क्वायर है। देख सकते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म में एक सर्किल की इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर एक्स नोट वाई नोट हमारा क्या होता है, सेंटर होता है और आर रेडियस होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप ध्यान रखेंगे सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर का, सॉरी जेड माइनस जेड नोट का मोड इक्वल टू आर, ये हमारी सर्किल की इक्वेशन होगी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। और जेड नोट हमारा होता है सेंटर और आर होती है रेडियस, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सर्किल बनता है। फिर दूसरी डेफिनेशन पर जाता हूँ, डेल्टा नेबरहुड, ठीक है। डेल्टा नेबरहुड हम किसी पॉइंट के अबाउट में निकालते हैं, इसका एक सेट ही होता है, ये डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं पहले। डेल्टा नेबरहुड को शॉर्ट में हम डेल्टा एनबीडी लिखते हैं, ऑफ ए पॉइंट जेड नोट, डेल्टा नेबरहुड जो होता है किसी पॉइंट जेड नोट के लिए, ये एक सेट होता है, इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये उन पॉइंटों का सेट होता है जिसको हम जेड का नाम देंगे, फॉर विच, जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन क्या होती है, जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, ठीक है, वेयर डेल्टा जो है कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा नेबरहुड होगा कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें जेड टाइप के वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसको आप मॉडुलस को ओपन करते हैं तो उसको लिख सकते हैं आप, जेड माइनस जेड नोट लाइज फ्रॉम माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा। अगर आप तीनों टर्म में यहाँ पर जेड नोट को जोड़ दे तो ये बन जाएगा हमारा जेड नोट माइनस डेल्टा जेड और जेड नोट प्लस डेल्टा, और ये बन गया एक ओपन सेट। ये क्या बन जाएगा हमारा ओपन सेट, मतलब जेड आपका वो पॉइंट हम यहाँ पर वो उन पॉइंटों का सेट लेंगे जो कि ओपन सेट जेड नोट माइनस डेल्टा और जेड नोट प्लस डेल्टा में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डेल्टा नेबरहुड उन पॉइंटों का सेट होगा जो जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिफाइन करते हैं ओपन सेट। तो ओपन सेट को थ्योरेटिकल ना लिखते हुए न्यूमेरिकली मैं लिख देता हूँ, ये एक ऐसा सेट होता है जिसको मैं एस का नाम दूंगा, ये एक ऐसा सेट होगा जिसको मैं एस का नाम दूंगा। इसमें हमारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड बिलोंग करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जेड माइनस जेड नोट लेस देन आर, ठीक है। और जेड माइनस जेड नोट लेस देन आर ये आपको लग गया होगा कि सर्किल जो हमने मैं ऊपर बताया था, अगर इस सर्किल को हम बनाएं यहाँ पर, ठीक है, जेड नोट हमने बनाना है सेंटर, इसको मैं हटा देता हूँ, एक सर्किल हमने बनाना है यहाँ पर, इस सर्किल का सेंटर तो होगा जेड नोट और रेडियस हमने लेनी है आर। तो ये इसमें हमारी जो कंडीशन है ओपन सेट में लेस देन की कंडीशन है कि जेड माइनस जेड नोट लेस देन आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें रीजन लेना पड़ेगा वो ये अंदर का रीजन लेना पड़ेगा, ये वाला बाउंड्री को छोड़ करके जो अंदर का पोर्शन होगा, ठीक है, ये किसको डिफाइन करेगा, एक ओपन सेट को डिफाइन करेगा, है ना,
ये जो अंदर वाला पोर्शन है किसको डिफाइन करेगा भाई, ये एक ओपन सेट को डिफाइन करेगा यदि हम बाउंड्री का पॉइंट ना ले, ठीक है। तो एक ओपन सेट क्या होता है, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेंगे जो कि इस सर्किल के अंदर जाएंगे, बाउंड्री से, बाउंड्री के अंदर जाएंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं आएंगे इसमें सेट में, इसमें बाउंड्री से अंदर वाले पॉइंट आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट माना जेड वन, तो ये हमारे सेट में जाएगा क्योंकि बाउंड्री पर नहीं है, इस सर्किल के अंदर है। फिर हमारा आता है क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या होता है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे वो एलिमेंट जेड बिलोंग करेंगे जो कि जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इसमें अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पर भी है, यही मैं ऊपर वाला फिगर ले लेता हूँ, अगर मान लेता हूँ कि ऊपर हमारा यहाँ पर पॉइंट है कोई जिसको मैंने जेड टू का नाम दिया, तो वो जेड टू भी इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बाउंड्री के पॉइंट भी आएंगे सेट में। ये जो क्लोज सेट है इसमें बाउंड्री के पॉइंट भी आएंगे, ओपन सेट में बाउंड्री के पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है, और क्लोज सेट में हमारे बाउंड्री के पॉइंट आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जो होती है कनेक्टेड सेट, ठीक है। कनेक्टेड सेट क्या होता है, एक ओपन सेट जो हमने ऊपर डिफाइन किया जिसमें बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेते, उसी से हम कनेक्टेड सेट को डिफाइन करेंगे। एन ओपन सेट, ये एक ओपन सेट होता है एस, इज कॉल्ड कनेक्टेड, ठीक है। ये हमारा कनेक्टेड सेट कहलाएगा इफ एनी टू पॉइंट, इफ एनी टू पॉइंट्स, हमने दो पॉइंट लिए यहाँ पर इस सेट के अंदर जेड वन एंड जेड टू, ठीक है, जो कि एस में बिलोंग करते हैं, कैन बी ज्वाइन, और दोनों को ज्वाइन कर दिया बाई ए लाइन, दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन किया विच, और ये जो लाइन आपकी बनेगी दोनों पॉइंटों को मिलाने पर, विच इज टोटली, विच इज टोटली कंटेन इन एस, और वो उसी सेट में बिलोंग कर जाए, ठीक है। यानी कि अगर फिगरली हम बात करें तो ओपन सेट हमने बनाना है, यानी कि बाउंड्री के पॉइंट हम नहीं लेंगे, ओपन सेट बनेगा तो कैसे कैसे बनेगा आपका, ये अंदर वाले आपको पॉइंट लेने हैं इस बाउंड्री की, ठीक है। ये हमारा ओपन सेट को डिफाइन करेगा, इस बाउंड्री के पॉइंट हम नहीं लेंगे तो अंदर वाला सेट जो है ये ओपन सेट को डिफाइन करेगा। अब इस ओपन सेट में दो पॉइंट अगर हम कंसिडर करें, एक जेड वन और एक जेड टू, और दोनों से एक लाइन सेगमेंट बनाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाई है, अगर ये लाइन भी हमारी उसी सेट में जाती है तो सेट होगा कनेक्टेड, सेट क्या होगा कनेक्टेड, और अगर दो पॉइंटों से मिलने वाली लाइन जो है वो सेट में ना जाए तो सेट हो जाएगा डिसकनेक्टेड। तो कनेक्टेड में क्या होता है कि एक ओपन सेट जिसमें दो पॉइंटों को मिलाने पर जो लाइन बनती है अगर वो सेट में जाती है तो सेट कनेक्टेड होगा। फिर लास्ट में हमारी डेफिनेशन बनती है डोमेन की, ठीक है। तो एक ओपन कनेक्टेड सेट अगर आप ले, ओपन भी है और कनेक्टेड भी है, वही हमारा क्या डिफाइन करता है, वही हमारा डिफाइन करता है डोमेन को। मतलब एक जो हमने ऊपर सेट डिफाइन किया, ओपन भी है और साथ में कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड मतलब दो पॉइंटों से लाइन बनाए तो वो उसी सेट के अंदर जाए, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है हमारा डोमेन को, जिसको हम डी से डिनोट करके चलेंगे आगे, हम आगे जो थ्योरम्स और वो पढ़ेंगे हम मॉड्यूल 4 और 5 में, ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं डोमेन को। फिर लास्ट हमारे डेफिनेशन होते हैं रीजन, ठीक है। रीजन भी एक डोमेन ही होता है, ए रीजन इज ए डोमेन टुगेदर विद ऑल सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। डोमेन क्या होगा, सॉरी रीजन क्या होगा, एक डोमेन ही डोमेन होगा जिसमें हम बाउंड्री के सभी पॉइंट भी ले सकते हैं या कुछ पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ना ले, ठीक है। मतलब जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी आपने वो ओपन कनेक्टेड सेट की थी जिसमें हमने बाउंड्री पॉइंट नहीं लिए थे, तो वो डोमेन को डिफाइन करता था। लेकिन अगर हम बाउंड्री पॉइंटों को भी ले ले, अगर हम बाउंड्री पॉइंटों को भी ले ले या कुछ पॉइंटों को ले ले या किसी भी पॉइंट को ना ले, तीनों कंडीशन में, है ना, तीनों कंडीशन में वो रीजन को डिफाइन करेगा। वो किसको डिफाइन करेगा, रीजन को डिफाइन करेगा, यानी कि इसमें हमारा सब आ जाएगा भाई, है ना। इसमें हमारे अंदर के पॉइंट भी आ जाएंगे, इसमें हमारे बाउंड्री के पॉइंट भी आ जाएंगे रीजन में, है ना, और ये हमारा ओपन कनेक्टेड सेट भी होगा। यानी कि दो पॉइंटों को अगर हम अंदर मिलाए तो दो पॉइंटों को मिलाने पर जो लाइन बनेगी वो हमारी सेट के अंदर ही जाएगी, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, एक ओपन कनेक्टेड सेट जिसमें बाउंड्री के पॉइंट भी आ जाएंगे, ओके।
तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि अगर डोमेन है तो वो रीजन तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। लेकिन अगर रीजन है तो वो डोमेन बना भी सकता है नहीं भी, ठीक है। रीजन डोमेन कब बनाएगा, अगर बाउंड्री के पॉइंट हमने रीजन में नहीं लिए, ठीक है, अगर बाउंड्री के पॉइंट रीजन में नहीं लिए तो डोमेन बना देगा, अगर हमने बाउंड्री के पॉइंट भी रीजन में ले लिए तो वो डोमेन नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन आपने ऊपर पढ़ा था कि हमारा बाउंड्री के पॉइंट नहीं रखता है। फिर लास्ट डेफिनेशन है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन नाम से क्लियर है कि आपको वो कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है, जो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी के बगैर बनेगा, ठीक है, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी के जो बगैर बनेगा विदाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, वही हमारा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन जिसमें हम जेड इक्वल टू इन्फिनिटी ना ले तो वो आपका फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है, ओके। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो इम्पोर्टेंट था, मेन चीज़ तो यही थी हमारी जो हमने ऊपर बताई आपको, तीन फॉर्म जो बताई और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई, ये हमारा मेन था टॉपिक, है ना, आज के लेक्चर का, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसकी प्रॉपर्टीज़, और फिश थ्योरम में यूज होने वाले कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहीं पे बता दी, क्योंकि बच्चे उलझ जाते हैं कि डोमेन क्या होता है, रीजन क्या होता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया ताकि आपको फोर्थ और फिफ्थ मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है वो हमने डिफाइन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन बनाएंगे और फिर उस फंक्शन की हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर